नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। साल 2020 दुनिया के लिए मुसीबत भरा रहा। कोरोना ने ऐसी दस्तक दी कि आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया, लेकिन 2021 आते आते लगा कि कोरोना का असर खत्म हो रहा है, क्योंकि भारत ने कोविड वैक्सीन ढूंढ ली थी और बीते 3 महीनों से कोरोना के आंकड़ों में कमी आई थी। लेकिन देश में कोरोना संकट एक बार फिर से पैर पसार रहा है। करीब 2.5 महीने बाद भारत में एक दिन में 24,000 से ज्यादा कोरोना के सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 24,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए और 140 लोगों की जान चली गई। हालांकि 19,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 23 दिसंबर 2020 को 24,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए थे। एक बार फिर डरा रहा कोरोना। 3 महीने बाद कोरोना के आंकड़ों ने पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में आए 24,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र और केरल में सबसे तेजी से बढ़ रहा कोरोना। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,13,33,000 से ज्यादा हो गए हैं। कुल 1,58,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 1,09,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,02,022 हो गई है, यानी कि इतने लोग अभी कोरोना संक्रमित हैं। एक समय लग रहा था कि 2021 में हम कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मार्च आते आते ऐसा लग रहा है मानो 2020 एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है। दरअसल महाराष्ट्र में बीते दिन 5 महीनों के बाद सबसे ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए। शुक्रवार को कोरोना वायरस के 15,000 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई, जो इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा है। लगातार तीसरे दिन इस साल के अब तक के सबसे अधिक मामले सामने आए। राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 22,00,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि बीमारी के कारण 56 नई मौत भी होने की संख्या बढ़ती जा रही है। 52,000 ये संख्या पहुंच गई है। राज्य में पिछले साल 2 अक्टूबर को 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जिसके बाद नए मामलों में गिरावट आई थी, लेकिन पिछले महीने मामलों में तेज उछाल आया। राज्य में बुधवार और गुरुवार को 13,000 और 14,000 मामले सामने आए हैं। वहीं देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने की अभियान भी शुरू हुई थी। 12 मार्च तक देश भर में 2,82,00,000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी, बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 20,53,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। वहीं अगर बात करें तो देश में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना से एक भी संक्रमित शख्स की मौत नहीं हुई। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से मिलती है। ये कुछ राज्य हैं: अंडमान व निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, दादरा नगर हवेली, कर्नाटक, लद्दाख, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा आदि। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत के मामलों में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ।